assalamu alaikum students hope you will all be fine today is the first lecture of assist of uh, computer क्लास फोर जैसा कि हमने सिक्स तो, चैप्टर्स तो अपनी क्लास के अंदर कंप्लीट किए थे सो वी स्टार्ट चैप्टर नंबर सेवन इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके अंदर हम अपनी प्रजेंटेशन को रेडी करते हैं जिसके अंदर हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं ताकि हमारे आइडियाज़ जो हैं वो दूसरे लोगों तक पहुँच सकें कि हम किस चीज़ को क्या कैसे लेबरेट करते हैं हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे प्रजेंटेशन मेड ऑन कंप्यूटर आर यूज इन ऑफिस स्कूल एंड मैनी प्लेस टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड ओपिनियन टू अदर ऑडियंस यानी कि जो चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं स्कूल के अंदर ऑफिस के अंदर या अपने आइडियाज या अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर दैट्स कार्ड द माइक्रोसॉफ्ट अ प्रेजेंटेशन सपोर्टेड बाई इमेज अब एक प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग कुछ लिख भी सकते हैं लेकिन दूसरों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए उसके अंदर हम मुख्य इमेज को भी डालते हैं एनिमेशन and audio help to capture the attention of the audience. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज टू करिएट कंप्यूटर बेस्ड प्रजेंटेशन टू हेल्प आर स्पीकर कन्वे द इंफॉमेशन इन एन इंटरेस्टिंग वे अब एक प्रेजेंटेशन तो ये नहीं है कि आप सिर्फ कुछ लिख दें कंप्यूटर के ऊपर और उसको आप दूसरे लोगों को दिखा दें दैट्स कार्ड प्रजेंटेशन बल्कि आप उसके अंदर मुख्तु इमेज डालते हैं मुख्तु वॉइस डालते हैं मुख्तु उसके अंदर एनिमेशन हैं तो दैट्स आप जो वो क्या करती है वो आपकी प्रजेंटेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो अब वो एक दूसरों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बना देती है ताकि जब दूसरे देखते हैं तो उसकी कैप्चर करती है उसकी अटेंशन को ऑडियंस देखने पे मजबूर होती है तो देश स्कार पावर पॉइंट लोटस लेंस एप्पल की नोट एंड ओपन फाइल्स इम्प्रेस आर सम ऑफ द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स available in the market they let us create presentation that display text supported by images animations audios and यानी कि ये ye प्रजेंटेशन्स हैं जो jo लोग बनाती हैं hain इमेज़ बनाई जाती हैं hain हैं hain हैं एंड and हैं hain PowerPoint is one of the most widely used presentation software solutions. और PowerPoint पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज्यादा दुनिया में यूज़ होता है प्रेजेंटेश के लिए इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न एंड यूज़ और बहुत ईजी है इसको लर्न करना और यूज़ करना Да. अब हम क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हम क्या लर्न करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है 2013 का उसको इंट्रोडक्शन देंगे और उसको बताएंगे कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू इज आ प्रजेंटेशन इन सॉफ्टवेयर दैट इज वाइडली यूज इन स्कूल्स एंड ऑफिस यानी कि जो स्कूल्स और ऑफिस के अंदर सबसे ज्यादा जो पावर पॉइंट यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दैट्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू थाउजेंड थर्टीन फॉर द्रिएटिंग इन प्रेजेंटेशन जो You can also use this software to create a photo album containing music or other sounds that have recorded before we start learning how to use powerpoint as familiar ourselves with टू की टर्म्स यूज इन पावर पॉइंट अब इसके अंदर जो है हम इसको मुख्तु चीज़ों के अंदर यूज़ कर सकते हैं अब आपकी पिक्चर्स होती हैं तो आप अपनी पिक्चर्स का एक एल्बम बनाती हैं पीछे उसके साथ कोई आप म्यूजिक या कोई वॉइस लगाती हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसके अंदर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अब इसके अंदर ये देखें दो चीज़ें हो जाएंगी एक आपका वन स्लाइड है एक आपकी स्लाइड शो है अगर तो आपकी जो प्रजेंटेशन है वो एक सिंगल पेज की है देट्स कार स्लाइड अगर उसके अंदर मुख्तलिफ पेज हैं या उसके अंदर पिक्चर्स वन वन आपकी स्लाइड्स आ रही हैं दैट्स नंबर पे क्या होगा प्रेजेंटेशन क्रिएटिंग यूजिंग पावरफुल पावर पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल पेज कार्ड स्लाइड यानी कि अगर उसका इंडिविजुअल पेज है दैट्स कार्ड स्लाइड अ स्लाइड कैन कंटेन टेक्स टाइम ऑडियो क्लिप्स एंड वीडियोज कैन आल्सो एड साउंड एंड एनिमेशन टू स्लाइड टू फर्दर इंगेज द ऑडियंस यानी कि आप अपनी इन, उसको ऑडियंस को इंगेज करने के लिए उसके अंदर आप अपने एनीमेशन या वीडियोस या कुछ भी चीज़ें आप उसके अंदर डाल सकते हैं अगर सिंगल पेज की है दैट्स कार्ड स्लाइड्स अगर उसके अंदर वो ज्यादा हैं तो पेजेस हैं या स्लाइड्स हैं दैट्स कार्ड स्लाइड शो वैन मल्टीपल स्लाइड्स आर डिस्प्ले टुगेदर इन सीक्वेंस इन फुल स्क्रीन मोड इट इज़ द स्लाइड शो अब हम इसके बारे में देखेंगे सबसे पहले आपके की वर्ड्स हैं दैट्स कार्ड स्लाइड अ सिंगल पेज इन अ प्रेजेंटेशन अगर आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर एक सिंगल पेज है दैट्स कार्ड स्लाइड स्लाइड शो क्या है अ फुल स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ स्लाइड्स यानी कि अगर आपकी फुल स्क्रीन हो रही है और उसके ऊपर आपकी मुख्त स्लाइड जो हैं वो टर्न बाय टर्न उसके ऊपर वन बाई वन करके आप शो हो रही हैं इमेजेस के साथ या वॉइस के साथ टेक्सचर के साथ दैट्स कार्ड स्लाइड शो यानी कि आपके ये दो की होंगे आप इन दो पेजेस की पहले रीडिंग करेंगे एटी और एटी की और दो कीवर्ड्स को आप लर्न करेंगे